आज की कक्षा में हम वर्ग सात के पाठ परिमेय संख्याएं के प्रश्नावली 4.2 को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हल कीजिए, ये परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़ है। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का जोड़ हम किस तरह से करते हैं। प्रश्न संख्या एक, और इसमें से मैं एक प्रश्न लेता हूं, चार, चौथा नंबर। यह है 3/11, फिर से लिखता हूं साफ से थोड़ा, 3/11 माइनस 7/-22, इसे हल करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हर में माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, मानक रूप में ऊपर में रहता है, अंश में रहता है, तो ये 3/11 और माइनस 7/22। अब 11 और 22 दोनों का, ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं, इस इनका जो हर है वो असमान है, तो इसके हर को हमें समान करना होगा। तो इसके लिए हमें इन दोनों का लसा निकालना होगा। तो 11 और 22 का लसा हम निकालेंगे तो 22 आएगा। तो समान करने के लिए, हर समान करने के लिए हम यहां इसे गुना करते हैं 2/2 से, ऊपर अंश में भी 2 और नीचे हर में भी 2। देखिए ये 22 हो जाएगा और यहां तो ऑलरेडी 22 है ही। तो ये हो गया 3×6/22 और यहां माइनस माइनस 7/22। अब दोनों का हर समान है इसलिए हम सीधे इसका जो संक्रिया है वो करेंगे। इसका लसा हो गया 22, ये 6 माइनस और माइनस 7, तो ये 6 और ये जो ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 7/22। तो ये हमारा आंसर आ गया, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13/22। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का 4 हल हो गया। इसी तरह से बाकी जो इसमें है 1, 2, 3, इसे आप स्वयं से हल करेंगे। अब दूसरा नंबर प्रश्न लेता हूं, प्रश्न संख्या 2, इसका पहला, ये है 2/3 × 3/5। ठीक इसमें भी पहले जैसा ही करेंगे, 3 और 5 का लसा निकालेंगे, तो 3 और 5 का लसा होगा 15। तो हम क्या करेंगे कि यहां अंश में 5 से गुना करेंगे, यहां भी 5 से गुना करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसका हर हो जाएगा 15, और यहां भी हम हर को 15 करेंगे। तो इसके लिए हम यहां गुना करेंगे 3 से और यहां 3 से। देखिए इस परिमेय संख्या का भी हर हो गया 3×5 = 15 और यहां भी 5 × 3 = 15, तो ये हो गया 10/15 और ये घटाओ 9/15। तो इसका हमारा लसा हो गया है, लसा तो हम जान रहे हैं समान है इसलिए 15, और ये 10 × 9 अर्थात 1/15। ठीक इसी तरह इसके बाकी जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, हल कीजिए। इस प्रश्न में परिमेय संख्याओं का गुणा है, तो
तो आइए देखते हैं कैसे हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। ये पहला वाला प्रश्न मैं ले रहा हूं, माइनस 5/3 गुना 33/35। इसे फिर से लिख रहे हैं, माइनस 5/3 गुना 33/35। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 7 = 35। यहां होगा 3 × 3 और ये 11 बार में कैंसिल होगा। तो अभी हमारा अंश में हो गया 11 और ये चिन्ह माइनस है और यहां प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 7 × 7। तो इसी तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेता हूं, प्रश्न संख्या 2, -4/7 गुने 2/-21। ये 21 है, अंश का गुना अंश से और हर का गुना हर से होगा। तो ये हो जाएगा -4 × 2, ये हो जाएगा -8 और ये होगा -7 × 7 और 7 × 2 = 14। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल होके हमारा बच जाएगा 8/147। अब आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का भी मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, 5/3 भाग 5/18। तो भाग में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये इसे हम भाग को गुना में बदल देते हैं। जब इसे गुना में बदल देते हैं तो इसके बाद वाली जो परिमेय संख्या है वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, अर्थात अंश हर में और हर अंश में। तो ये हो जाएगा 5/18 की जगह 18/5। तो ये 5 × 5 और 5 × 5, अब 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18। तो हमारा आंसर आ गया 6/1 आया, लेकिन बटा में जब हर में एक रहता है तो उसका उसकी जगह हम सिर्फ अंश को ही लिखते हैं। इसी तरह से आप जो अन्य प्रश्न है उसे भी हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 हल कीजिए, इन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, पांचवा का, ये चौथा नंबर। चलिए, तो ये है 1/2 × 20/3 और उसके बाद घटाओ 1/2 × 1/4। पहले एक बार इसे फिर से लिखते हैं, 1/2 × 20/3 घटाओ 1/2। अब यहां देख रहे हैं ये भाग है, तो भाग को हम गुना में बदल दे रहे हैं। जब भाग को गुना में बदल देंगे तो इसके बाद वाली जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 की जगह हो जाएगा 4/1 हो रहा है, 2 × 2 और 2 × 20। यहां भी होगा 2 × 2 और 2 × 2 = 4। तो ये हमारा बच गया, इस ब्रैकेट में बच गया 10/3 घटाओ और यहां पर हो गया 2/1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर परिमेय संख्याओं के घटाओं में हमने पहले देखा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने के लिए हम लॉसा निकालते हैं, तो 3 और 1 का लॉसा तो 3 ही हुआ,
तो ये तो पहले वाले का हर तो ठीक है, इतना ही रहेगा। अब इसका हर हमें 3 करना है, तो इसे हम 3 से गुना करते हैं, और जब हर में हमने 3 से किया तो अंश में भी करना होगा। तो हमारा आ रहा है क्या, 10/3 घटाओ 2 तिहाई 6, 6/3, तो इसका लसा हो गया 3, और ये हो गया 10 घटाओ 6, यानी 4/3। तो इसका हमारा उत्तर आ गया 4/3। तो इसी तरह से बाकी अन्य प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, -13/14 एवं 2/7 के योगफल को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित कीजिए। आइए इसे हल करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, फिर से पढ़ते हैं, -13/14 एवं 2/7 के योगफल को इसके और इसके गुणनफल से विभाजित करना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं, -13/14 योगफल है सॉरी प्लस 2/7, इसका योगफल हमने किया। अब इसको विभाजित करना है, यानी भाग किससे करना है, 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से, गुना 16/15। देखिए फिर से, यहां क्या था, -13/14 एवं 2/7 के योगफल को, है ना, योगफल कर दिए हम लोग, विभाजित कीजिए, किससे विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए यानी भाग दीजिए, किससे, 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसे हल करते हैं। तो यहां ये परिमेय संख्याओं का योग है, तो इसके लिए हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग हर को बराबर करते हैं, और हर को बराबर करने के लिए हम लोग दोनों हर का लसा निकालते हैं। तो 14 और 7 का लसा होगा 14। तो ये पहला वाला जो परिमेय है, इसका तो हर 14 है ही, ये दूसरे वाले का हर हमें 14 करना होगा। तो ये 7 है तो 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी अंश में भी 2 से गुना करेंगे, ये हो गया इधर। अब इधर भी देखते हैं, ये इस ब्रैकेट में, तो यहां 3/4 गुना 16/15, 4 × 4 4 × 16, और ये 3 × 3 3 × 5 15। चलिए इधर हो गया। अब फिर यहां देखते हैं, यहां -13/14 जोड़ 4/14, और ये है भाग, और यहां क्या बच गया हमारा, 4/5। अब ये हमारा लॉस 14 और 14 है, तो लॉस 14 हो गया, और ये हो गया -13 और प्लस 4, 4 भाग 4/5। अब यहां क्या हो गया, -13 और +4, ये हो गया -9/14 भाग 4/5। तो ये हो जाएगा -9/14, और इस भाग को अब हम गुना में बदल देंगे, तो ये इधर हो जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा -45, 9 × 6 = 45, और ये 14 × 6 = 56। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, परिमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल को इनके अंतर से विभाजित कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, परिमेय संख्या 8/7 एवं 2/21 के योगफल, तो चलिए इसको योगफल करते हैं।
आठ बटे सात जोड़ दो बटे 21, ये हो गया योगफल। को इनके अंतर से विभाजित कीजिए। विभाजित करना है किससे? इनके अंतर से, यानी आठ बटे सात और दो बटे 21 के अंतर से। अंतर का अर्थ होता है घटाओ, तो आठ बटे सात घटाओ दो बटे 21, इसे हमें हल करना है। तो ये हर में यहां सात है और यहां 21 है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के योग अथवा घटाव में उनका जो हर है वो समान किया जाता है, और हर समान करने के लिए उसका हम लोग लसा निकालते हैं। तो यहां सात और 21 का लसा हो जाएगा। 21 आप निकाल के देख ले। तो आइए इसका हर हम समान करते हैं, तो आठ बटे सात, तो इसे हमें कितना करना है? सात को 21 करना है, तो इसलिए हम लोग इसका इसको गुना करेंगे तीन से। जब नीचे हम तीन से कर रहे हैं तो ऊपर यानी अंश में भी तीन से करेंगे, और यहां तो पहले से 21 है, ये हो गया। ठीक इसी तरह यहां भी हम करेंगे, आठ बटे सात और गुना यहां तीन गुना तीन, और ये घटाओ दो बटे 21, तो ये हो गया हमारा आठ तिहाई 24 और बटा सात तिहाई 21 जोड़ दो बटे 21। अब ये है भाग, और यहां भी हो गया 24 बटे 21 घटाओ दो बटे 21। तो यहां इस 21 और 21 का लॉस हो गया 21, तो यहां पर हो गया 24 जोड़ दो, और ये हो गया भाग। फिर यहां हुआ 21 और ये 24 घटाओ दो। तो अब यहां 24 जोड़ दो, ये हो गया 26, 26 बटे 21 भाग, यहां हो गया 24 घटाओ दो हो जाएगा 22, 22 बटे 21। तो ये 26 बटे 21, और ये भाग है, इसे हम गुना में बदल देते हैं। जब इसे गुना में बदल देते हैं तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 21 बटे 22। तो हम इधर देख रहे हैं, ये 21 और ये 21, 21 एका 21, 21 एका 21, ये कैंसिल हो गया। अब ये 26 और 22 में भी कुछ कैंसिल होगा। हाँ, दो से हम करके देखते हैं, दो से ये 11 और दो से ये 13, तो हमारा आ गया 13 बटे 11। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इसी तरह से हल कर सकते हैं।